हाय स्टूडेंट्स, क्लास फोर फ्रैंक प्राइमरी साइंस, चैप्टर 9, मैटर एंड मटेरियल, टॉपिक ऑन पेज नंबर 93, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, किसी मैटर की अवस्था को बदलना। द थ्री स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग। मैटर की अवस्था चेंज हो सकती है हीटिंग और कूलिंग से। सॉलिड्स कैन बी चेंज टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज टू गैस। सॉलिड लिक्विड में चेंज होते हैं और लिक्विड गैस में चेंज हो सकते हैं। दिस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज पॉसिबल। यह जो चेंजिंग होता है मैटर का, यह पॉसिबल होता ही, क्योंकि व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, क्योंकि जब एक सब्सटेंस गर्म किया जाता है द मॉलिक्यूल्स बिकम्स लेस लूजली, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे लूजली पैक हो जाते हैं एंड द सॉलिड बिकम्स ए लिक्विड, और एक सॉलिड जो है वो लिक्विड के रूप में आ जाता है। विद मोर हीट, ज़्यादा हीट देने पर द मॉलिक्यूल्स बिकम वेरी लूजली पैक। ज़्यादा हीट देने पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर हो जाते हैं, ज़्यादा लूजली हो जाते हैं एंड द लिक्विड चेंज टू गैस, और जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। सिमिलरली समंत है, वहन ए गैस इज कूल्ड, जब एक गैस को ठंडा किया जाता है द मॉलिक्यूल कम क्लोजर, तो मॉलिक्यूल्स वे क्लोजर आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं एंड द सब्सटेंस चेंज टू इट्स लिक्विड फॉर्म, तो इसकी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, गैस से लिक्विड में आ जाती है कूलिंग करने पर। इट गेट्स वार्मथ इफ कूल्ड फर्दर, यदि और अधिक गर्म किया, ठंडा किया जाए, द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज एनफ, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, फॉर्म द सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, और पदार्थ की सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइस, आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आइस का। आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस स्टेट का, आइस वाटर का एक सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। व्हेन आइस इज केप्ट इन द ओपन, जब आइस को खुले में रखा जाता है, इट गेट्स वार्मथ फ्रॉम द सराउंडिंग एंड टर्न्स इनटू वाटर, तो यह चारों ओर की गर्मी से पिघलने लगता है एंड टर्न इनटू वाटर, और वाटर के रूप में परिवर्तित होने लगता है। द प्रोसेस ऑफ ए सॉलिड, यह जो अभिक्रिया होती है सॉलिड की, चेंजिंग इनटू ए लिक्विड, लिक्विड में चेंज होने की, ऑन हीटिंग, हीटिंग पर इज नोन एज मेल्टिंग, इसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड, और जब पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंज इनटू स्टीम, तो यह भाप में चेंज हो जाता है, और वाटर वेपोर, यह पानी की भाप। वाटर वेपोर इज द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर, और जो गैस, ये जो वाटर वेपोर है गैस की अवस्था होती है। द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड, जो प्रोसेस होता है एक लिक्विड का, अभिक्रिया होती है जो, चेंजिंग इनटू ए गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग, जो गैस की गैसे स्टेट में चेंज कर देती है गर्म करने से, इज कॉल्ड एवपोरेशन, उसे हम एवपोरेशन बोलते हैं, वाष्पन। व्हेन स्टीम इज कूल्ड, जब भाप को गर्म किया जाता, ठंडा किया जाता है, इट चेंज अगेन ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, तो ये पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। द चेंज ऑफ ए गैस इंटू इट्स लिक्विड स्टेट, ये जो गैस का लिक्विड अवस्था में बदलना, ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यह कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन। इफ वी कीप दिस वाटर इन ए फ्रीजर, अगर हम इस पानी को फ्रीज में रखें, इट कूल्स डाउन सफिशियंटली, यह आसानी से ठंडा हो जाता है एंड चेंज इनटू आइस, और बर्फ बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू ए सॉलिड स्टेट, ये जो
अभिक्रिया होती है लिक्विड की ठोस में चेंज होना, द्रव अवस्था की ठोस अवस्था में चेंज होना ऑन कूलिंग ठंडे होने पर इज नोन एज फ्रीजिंग, इसे हम जमना कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। नाउ आइस सॉलिड, नाउ हीटिंग, देन लिक्विड, एंड लिक्विड ऑन हीटिंग देन गैस। नाउ इफ गैस इज कूलिंग देन लिक्विड, एंड लिक्विड इज कूलिंग इज आइस सॉलिड। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक्स।